करने जा रहे हैं रिएक्ट, और रिएक्ट के लिए हम ये आर्टिकल फॉलो करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आज हम रिएक्ट का जो है वो हेलो वर्ल्ड बना के यहाँ से जाएं और देख लेते हैं कि ये क्या सीन है। अच्छा, ये आर्टिकल ज़रा आसानी से इन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया चीज़ों को, और कोई बुक ऐसी नहीं है जिसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया वो, तो इस वजह से ये आर्टिकल हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात कर रहे हैं कि जी व्हाट इज़ रिएक्ट, रिएक्ट है क्या चीज़। रिएक्ट इज़ अ यूआई लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय फेसबुक। रिएक्ट जो है वो क्या है, यूआई बनाने की लाइब्रेरी है। रिएक्ट इज़ अ यूआई लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में मैं बता रहा था कि मेन डिफरेंस होता क्या है। मेन डिफरेंस ये होता है कि जो है ना लाइब्रेरी जो है वो बंच ऑफ फंक्शंस होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कॉल कर रहे होते हैं, और फ्रेमवर्क का क्या होता है कि अपना सिंटैक्स होता है। फ्रेमवर्क में ये होता है कि फ्रेमवर्क का अपना सिंटैक्स होता है, हम वो कोड लिखते हैं और हम फ्रेमवर्क को दे देते हैं, हम फंक्शन की तरह उसको कॉल नहीं करते, हम अपना कोड फ्रेमवर्क को दे देते हैं, वो हमारे कोड को जैसे दिल करता है उसका वैसे वो चलाता है। अच्छा, क्रिएटेड बाई फेसबुक का मतलब है कि फेसबुक ने इसको बनाया और इनिशियली उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए बनाया था इसको, ठीक है। फेसबुक की जो यूआई है उसके लिए इन्होंने बनाया था। अच्छा, ये कोई बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जो बड़ी कंपनीज़ होती है ना वो उनके अंदर ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि जो है ना वो अपने फ्रेमवर्क्स बना लेती हैं खुद के, और अपने जो यानी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हो रही होती है वो खुद बना लेती हैं। जैसे कि बूटस्ट्रैप आप लोग यूज़ करते हैं, तो बूटस्ट्रैप जो है वो ट्विटर वालों ने बनाया था अपने लिए, सही है, बाद में उसको फिर उन्होंने पब्लिक कर दिया। इस तरह बहुत सारे आपको लाइब्रेरी, बहुत सारे CSS के और JavaScript के फ्रेमवर्क आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी ना किसी कंपनी ने अपने इंटरनल यूज़ के लिए बनाया था और बाद में उसको पब्लिक कर दिया। इसकी ज़रूरत उनको आमतौर पर क्यों पड़ती है कि जी उनका ज़ाहिर है फेसबुक एक ख़ास किस्म की ऐप है, उसमें ख़ास किस्म की रिक्वायरमेंट उनको हो सकती है जो शायद किसी भी फ्रेमवर्क में पॉसिबल ही ना हो। कोई ऐसा ख़ास काम करना पड़ सकता है उनको जो किसी भी फ्रेमवर्क में वो काम हो ही नहीं सकता हो, तो फिर उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, अपना कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। जैसे कि फेसबुक में पिछले दिनों 360 वाली जो फ़ोटो पोस्ट होना शुरू हो गई थी कि जी 360 होगी फ़ोटो, या इसी तरीके से वो 3D फ़ोटो एक बीच में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो 3D फ़ोटो अब किसी लाइब्रेरी के अंदर या किसी फ्रेमवर्क के अंदर पहले से उसकी सपोर्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि वो चीज़ एक फेसबुक ने खुद ही डेवलप की है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस ऐप के लिए चाहिए होती है जो किसी फ्रेमवर्क में होती नहीं है, तो अल्टीमेटली दे एंड अप विद देयर ओन फ्रेमवर्क्स या देयर ओन लाइब्रेरीज। तो फेसबुक ने इसको बनाया था भाई, बाद में क्या हुआ 2016 में उस वक्त एंगुलर करके फ्रेमवर्क था, बड़ा फेमस फ्रेमवर्क था, एंगुलर JS था पहले, तो जिसको एंगुलर 1 भी कहते हैं प्यार से। उसके बाद उन्होंने JS हटा दिया, सिर्फ एंगुलर कर दिया उसको, तो एंगुलर 2, 3, 4 अभी पता नहीं उसका 10-11 वर्जन चल रहा है, इस वक्त भी वो मौजूद है। तो जब एंगुलर 2 आया ना, रिलीज़ हुआ जब, तो उसमें इन्होंने कुछ पैराडियम शिफ्ट किए थे चीज़ों को ना, क्योंकि चक्कर ये हुआ था बिल्कुल रिएक्ट की तरह का फ्रेमवर्क था एंगुलर भी, तो एंगुलर JS जो है वो 2009 या 10 में एक गूगल का एम्प्लॉई था, उसने साइड प्रोजेक्ट के तौर पे बनाना शुरू किया था। तो एंगुलर JS जो है उसको गूगल ने रिकग्नाइज़ कर लिया, और गूगल ने बोला कि यार हम इसको फ़ंड भी करेंगे, और आप उसको पूरा डिपार्टमेंट बना के दे दिया कि यार इसको चलाओ। अच्छा, उसकी मार्केटिंग भी कर दी गूगल वालों ने खुद से थोड़ी सी, तो क्या हुआ एकदम जो है ना फिर उसकी हाइप बन गई और सब लोग उसको इस्तेमाल करने लग गए, और उसमें कुछ ऐसे आई कैचिंग किस्म के फ़ीचर थे ना कि बड़ा फेमस हो गया वो। अच्छा, लेकिन और गूगल क्योंकि उसके बैक पे था, तो गूगल के नाम पे लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। गूगल का नाम एक बड़ा नाम था, उन्होंने लोगों ने कहा अच्छा गूगल का नाम है तो फिर चीज़ अच्छी होगी, गूगल का नाम है तो लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया। वंस उस पर बड़ी एप्लीकेशन बनना शुरू हुई तो वो स्लो डाउन हो गया। वो स्लो डाउन उसके अंदर एक ख़ास किस्म की चीज़ थी, इवेंट लूप, जिससे वो चीज़ों को रियल टाइम में रिफ़्रेश करते थे, बगैर पेज रीलोड हुए वो चीज़ें कुछ हो रही होती थी, तो वो उसके लिए एक इवेंट लूप कंटिन्यूसली पीछे चल रहा होता था उसके। तो जब बड़ी एप्लीकेशन होती थी, ज़्यादा वेरिएबल्स होते थे, ज़्यादा पेजेस होते थे, तो वो अल्टीमेटली स्लो डाउन हो जाता था, और इस तरह के उसके अंदर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स बहुत सारे और भी उसमें पाए गए। तो गूगल ने फिर अल्टीमेटली ये डिसाइड किया, कम्युनिटी की डिमांड पे गूगल ने ये डिसाइड किया कि यार हम ये सारे मसलों को सॉल्व करेंगे और हम फ्रॉम स्क्रैच एक इसको लिखेंगे दोबारा से, ठीक है, कम्युनिटी के लिए। ये प्रॉमिस उन्होंने कर लिया, और उन्होंने कहा कि उस वर्जन का हम नाम रखेंगे गूगल एंगुलर 2 नाम रखेंगे उसका हम। अच्छा, लेकिन एंगुलर 2 एक तो रिलीज़ होने में जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उससे वो बहुत लेट हो गए,
सही है, उससे वो बहुत लेट हो गया। फिर वो जो रिलीज़ हुआ एंगुलर वन का वर्जन, वो इनकम्प्लीट था, उसमें राउटर नहीं थे, उसमें पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, वो थर्ड पार्टी लोग इस्तेमाल करते थे फिर वो। ठीक है, आधा फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क एक कम्प्लीट चीज़ को कहा जाता है। तो क्या होता था कि फ्रेमवर्क भी करते थे, साथ में थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ को भी यूज़ करना पड़ता था राउटिंग को अचीव करने के लिए। तो अब राउटिंग क्या होती है वो इंशाल्लाह अभी हम आगे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि यार हम ना इसको एंगुलर 2.1 में कंप्लीट कर देंगे, ये सारा मसला जो है ना वो हम हल कर देंगे। तो फिर जब 2.1 भी आई तो उसमें भी ये मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, इस तरह करते करते ना 3 साल गुजर गए ये प्रॉमिस को लेके। लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को होल्ड किया हुआ था कि यार ये आएगी ये एंगुलर 2, तो हम इस पर शुरू करेंगे अपना प्रोजेक्ट। जो लोगों ने प्रोजेक्ट बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स बना लिए थे वो होल्ड करके बैठे हुए थे कि हम अपने प्रोजेक्ट को मूव करेंगे नए वाले एंगुलर पे, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पाया। तो 3 साल तक वेट करने के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ ना, तो लोग मूव करने लग गए बैकवर्ड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, यानी एंगुलर से पहले जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते थे उस पर मूव करने लग गए। तो उस पॉइंट पे रिएक्ट वालों ने ये रियलाइज़ किया कि यार ये बड़ा अच्छा मौका है, हम ओपन सोर्स कर देते हैं। तो रिएक्ट को ओपन सोर्स कर दिया गया फेसबुक की जानिब से उस टाइम पे। अच्छा, रिएक्ट जब आई थी नई नई, तो उस वक्त रिएक्ट के अंदर कोई ऐसी बात थी नहीं कि उसको अडॉप्ट किया जाता। सही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था और बड़ा ही कोई कंफ्यूजन किस्म का जो है ना इसका सब कुछ था अंदर, सिंटेक्स वगैरह और मैकेनिज्म। क्योंकि जाहिर है जो 100 लोगों की टीम जिसको इस्तेमाल कर रही है जिस चीज़ को, और मतलब 4-5 लोगों ने मिलकर डेवलप किया है जो एक पूरा फ्रेमवर्क, या 50 लोगों ने मिलकर डेवलप किया है उस फ्रेमवर्क में, जाहिर है वो 50 लोगों की थिंकिंग शामिल है। और एक चीज़ जब लाखों लोग मिलकर डेवलप करते हैं तो उसकी बात अलग होती है। तो जब रिएक्ट नई नई आई थी तो उसमें कोई ऐसी बात थी नहीं कि उसको इतने मास लेवल पर अडॉप्ट किया जाता, लेकिन वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी सब लोगों के लिए कि किसी के पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो मजबूरन लोगों ने रिएक्ट को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट प्रॉमिस कर रहा था कि फेसबुक इस पे बनी हुई है, तो फेसबुक जब इस पे बनी हुई है तो फेसबुक में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और वही होती है नॉर्मली तमाम वेब एप्लीकेशन में, कि जी वो फॉर्म्स वगैरह और वो सारे जो फोटोज़ और लॉग इन साइन अप और ये सारा जो फ्लो है ये ज़ाहिर है हैंडल हो रहा था उसके अंदर ऑलरेडी। तो उन्होंने ये प्रॉमिस करके लोगों को बोला कि यार आप करो अडॉप्ट, सब कुछ हो जाएगा इसके अंदर। तो लोगों ने फिर इसको अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, तो ये एक शॉर्ट इसकी कहानी है कि रिएक्ट जो है ना रिलीज़ कैसे हुई, फेसबुक ने इसको फिर पब्लिक कर दिया। अच्छा, अब ये करती क्या है ये लाइब्रेरी, इट हेल्प्स यू क्रिएट इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन। अब कौन मुझे बताएगा कि इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन में और एक, या नॉन इंटरैक्टिव कह लो या एक सादा है, तो इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन क्या चीज़ है और इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव में क्या डिफरेंस हो सकता है आपके ख्याल में, ओपिनियंस आप लोगों का। दोस्त ने कहा कि ऐसी वेबसाइट जो बटन के क्लिक करने पे कुछ रिस्पॉन्स कर रही है सामने से, उसको हम इंटरेक्टिव कहेंगे। हाँ भाई, और लोग वो तो रिस्पॉन्सिव होता है ना, इंटरेक्टिव नहीं होता वो तो रिस्पॉन्सिव कहते हैं उसको। वैसे वो भी इंटरेक्शन में शामिल है, आई वुड एग्री कि वो भी इंटरेक्शन में शामिल है। और लोग बताएं यार, इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन से क्या समझते हैं आपकी, क्या चीज़ है उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी, सिंगल पेज इस्तेमाल होती है वैसे जो तुम कह रहे हो। हाँ भाई, और लोग दोस्त ने कहा कि यार जिस वेबसाइट पे आप जाके ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं उसको हम इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन कहते हैं। अच्छा देखो, इंटरेक्टिव का मतलब है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब होता है जैसे मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये इंटरेक्शन है, मैं कुछ बोल रहा हूँ सामने से तुम भी कुछ बोल रहे हो। सही है, तो जिस वेबसाइट में ये वाला हिसाब किताब है ना कि मैं कुछ बोलता हूँ तो वेबसाइट भी सामने से कुछ बोलती है, उसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई आपने वेब पेज खोला, उसके अंदर आप लॉगिन का बटन प्रेस कर सकते हैं और
पासवर्ड करके लॉग इन कर सकते हैं आप, या लॉग इन भी चलो बहुत बड़ी बात है, कोई आर्टिकल मैंने खोला उसके नीचे क्लैप का बटन लगा हुआ है या लाइक का बटन लगा हुआ है, मैंने वो बटन दबाया तो लाइक का काउंट बढ़ गया, तो दिस एप्लीकेशन वुड कॉल्ड इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सारी एप्लीकेशन में होता है, ऐसी कौन सी वेबसाइट है कि जिसमें इस तरह का कोई चीज़ हो ही ना, है ना, ऐसी तो कोई वेबसाइट नहीं होती। तो हमने जिस दौर में आँख खोला है वो इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन का दौर था, ठीक है, इससे ये वेब 2.0 कहते हैं इसको, ठीक है, इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन जो हैं इसको वेब 2.0 कहते हैं। इससे पहले एक वेब का वर्जन होता था 1.0, वर्जन तो खैर क्या ही होता था, एक लोगों ने ख्याली तौर पे एक वर्जन बनाया हुआ। तो वेब 1 में क्या होता था कि पेज खुलता था वो स्टेटिक होता था, ठीक है, जस्ट लाइक अ पम्फलेट, जैसे मस्जिदों में पम्फलेट बटता है ना, आप ले लेते हैं उसमें कुछ बटन दबता है, उसमें कुछ नहीं दबता, उसमें चीज़ें लिखी हुई होती हैं, वो जस्ट आप देखते हैं और उसको बंद कर देते हैं। तो वेबसाइट इस तरह की हुआ करती थी कुछ अरसे पहले तक, आज से, कि आप उसको खोलते थे वो जस्ट लाइक अ पम्फलेट वो खुलती थी, उसमें कोई बटन नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था उसमें, और मोस्टली तो ऐसा भी होता था कि एक फ़ोटो लगी हुई होती थी बड़ी सी। वेब 1.0 के अंदर ऐसा भी बहुत सारी वेबसाइट्स थी जिसमें क्या होता था, फ़ोटोशॉप पे या कैनवा टाइप की चीज़ पे को तैयार किया पोस्टर, और पोस्टर को यूँ लगा दिया, आप खोलोगे एक इमेज यूँ दिखेगी, आप वो देखोगे बंद कर दोगे, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ वेबसाइट इज़ कॉल्ड नॉन इंटरेक्टिव या वेब 1। ये वेब 2 की जितनी भी है ना, इवन ये आर्टिकल भी जो है इसके अंदर भी देखो, यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ ना, क्लिकेबल लिंक्स हैं, या इसके अंदर ऐसी कोई देखो ये है ना इनपुट बॉक्स बना हुआ है, लिखता हूँ और मैं बटन दबाऊंगा तो कुछ ना कुछ ये सामने से जवाब आएगा, ठीक है। इसके नीचे कहीं ना कहीं क्लैप श्लैप भी बना हुआ होगा, कोई लाइक वगैरह का भी कोई ना कोई ऑप्शन इसमें होगा बाहर। तो अभी इस वक्त आपको ऐसी वेबसाइट ढूंढने में मतलब बड़ी मुश्किल से मिलेगी जिसमें जो इंटरेक्टिव ना हो, ऐसी वेबसाइट ढूंढने से बहुत मुश्किल से मिलेगी आपको। अच्छा, अब साथ में इसने बोला है कि मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स, के आपको ये इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ऐसी इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन जो कि कंपोनेंट्स से मिलके बनी हुई है, ठीक है। अब कंपोनेंट क्या चीज़ है अंग्रेजी में, चलो कंपोनेंट किस चीज़ को कहते हैं कौन बताएगा, मतलब अभी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कंपोनेंट वो छोड़ दो, इंग्लिश में कंपोनेंट किस चीज़ को कहते हैं, पार्ट्स को, मतलब अच्छा दोस्त कह रहे हैं कि हिस्से या पार्ट्स को कह सकते हैं कंपोनेंट, और हाँ जी पार्ट्स भी तो कह सकते हैं, नहीं मतलब जैसे पार्ट्स है, पार्ट्स तो इटसेल्फ एक वर्ड है ना, तो पार्ट्स और कंपोनेंट्स में फिर कोई डिफरेंस तो होगा, जब भी तो अलग इसके लिए वर्ड डिवाइस किया हुआ है। बार बार यूज़ किया जा सके उस पार्ट को, जैसे आप कह लें कि इस पंखे के अंदर जो है जो ये पंखी लगी हुई है, या आप कह लें इस पंखे में तार है, ये इस तार को यूज़ किया जा सकता है बार बार, अगर ये पंखा ख़राब भी हो जाए तो इस तार को निकाल के मैं किसी और जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, इस किसी एग्जिस्टिंग वायर को एक्सटेंड करने के लिए। तो क्या ये तार कंपोनेंट है, मेरा अगेन वही सवाल ये है कि पार्ट्स और कंपोनेंट दो अलग अलग वर्ड हैं, तो क्या आया कि इन दोनों वर्ड में कोई फ़र्क होगा ना, जब भी तो अलग अलग वर्ड है, ये तार जो है पार्ट तो है लेकिन ये कंपोनेंट नहीं है। अच्छा गूगल भी कर सकते हो, मैं ऐसे जो कह रहा हूँ ना, मैं आप गूगल भी कर सकते हो जल्दी से, तो इस पंखे के अंदर कंपोनेंट कहाँ हैं आइडेंटिफाई करो, बटन कैसे, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, जो मेरा ओपिनियन है वो बता रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ओपिनियन सही हो तो मेरा ओपिनियन ये है कि किसी भी बड़ी मशीन का एक छोटा पार्ट, किसी भी बड़ी मशीन का एक छोटा पार्ट जो अपने आप में एक मुकम्मल मशीन हो उसको हम कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है,
उसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कि इस प्रोजेक्टर के अंदर अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, वो बल्ब क्या है, वो कंपोनेंट है। अगर प्रोजेक्टर नहीं भी हो तो वो बल्ब मैं वैसे भी जला के शायद रोशनी ले पाऊँ उससे, वैसे लूँगा नहीं, कोई बेवकूफ़ी होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजली लेता है वो बल्ब, ठीक है, ये एनर्जी सेवर उससे कम है। दूसरी मिसाल, चलो इस पंखे में, इस पंखे की जो मोटर है, अगर ये पंखा ना भी हो, ख़राब भी हो जाए, तो ये मोटर अपने आप में एक मुकम्मल मशीन है, ठीक है। मोटर से और भी बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। इस मोटर को कहीं मैं मतलब हल चलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, शायद इसको मैं लगा के कोई हलीम की देख घोटने वाली मशीन भी बना सकता हूँ, है ना, आजकल आए हुए हैं ना, वैसे यूँ डालो हलीम को और घोटती है, बेहतरीन हो जाता है। तो जैसे ये एसी है, एसी के अंदर कंप्रेशर होता है, तो कंप्रेशर जो होता है वो एक मुकम्मल मशीन है ना, वैसे तो एसी का पार्ट है वो, लेकिन अपने आप में वो एक मुकम्मल मशीन है। कंपोनेंट्स का सीन ये होता है कि कंपोनेंट एक मशीन से निकल के दूसरे में रिप्लेस भी हो जाता है। जैसे अगर इस पंखे की मोटर ख़राब हो जाए तो मैं मोटर रिप्लेस कर सकता हूँ, किसी दूसरे पंखे से निकाल के लगा दूँगा, ठीक है। तो कंपोनेंट का ये होता है कि भाई कंपोनेंट क्या होता है, रिप्लेसेबल होता है, एक से दूसरे में लग जाता है, और कंपोनेंट अपने आप में एक मुकम्मल मशीन होती है। तो अगर एक एसी का कोई कंप्रेशर ख़राब हो गया तो मैं दूसरे एसी से निकाल के उसमें लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर जो आपका गियर बॉक्स होता है वो एक कंपोनेंट है, अपने आप में एक मुकम्मल मशीन है, वो उसका इनपुट है, उसका आउटपुट है, ठीक है। इसी तरीके से एक गाड़ी के अंदर जो आपका टायर जो है वो, उसको भी कंपोनेंट बोलते हैं वो, टायर को भी, ठीक है, क्योंकि टायर अगर गाड़ी नहीं भी है तो किसी और चीज़ में भी टायर लग सकता है, ठीक है। तो इसको आसान लफ्ज़ों में मैंने बताने की कोशिश की है, आई एम नॉट श्योर कि वो एक्चुअल डेफिनेशन से कितना ये मैच कर रही है। अच्छा, तो इस वाले पे ना, लेकिन ये एग्जांपल पूरी तरह से फिट होती है कि कंपोनेंट क्या होता है, रीयूजेबल होता है। किसी दोस्त ने यहाँ पे जिक्र किया था कि कंपोनेंट क्या होता है, रीयूजेबल होता है, और रीयूजेबल इस वजह से होता है कि वो अपने आप में एक मुकम्मल मशीन होती है, उसका अपना इनपुट होता है, अपना आउटपुट होता है। जैसे कंप्रेशर को इनपुट क्या मिलता है, एक हवा मिलती है उसको इनपुट, और उसको वो कंप्रेस करके आगे आउटपुट के तौर पर उसको दे देता है। तो ये उसका इनपुट और आउटपुट है। जो इस पंखे के अंदर मोटर लगी हुई है वो एक मुकम्मल मशीन है, इसको इनपुट के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और आउटपुट के तौर पर वो क्या करता है, टॉर्क जनरेट करता है, ठीक है, घूमने वाली पावर जनरेट करता है, घुमाता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। जो बल्ब होता है उसको इनपुट क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और उसके रिजल्ट में वो ल्यूमिनेशन क्रिएट करता है, लाइट क्रिएट करता है। तो हमने ये देखा कि भाई जो रिएक्ट है वो इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाने के काम आती है, जो कि बने हुए होते हैं कंपोनेंट्स से। तो कंपोनेंट्स जो है वो रिएक्ट के अंदर एक ख़ास चीज़ को कहते हैं कंपोनेंट, और रिएक्ट की एप्लीकेशन का वो बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी रिएक्ट की जब आप एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो दरअसल आप क्या बना रहे होंगे, पहला कंपोनेंट बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे, तो कंपोनेंट्स आप बना रहे होंगे लाइन से। इफ़ यू आर फेमिलियर विद HTML, यू कैन थिंक ऑफ कंपोनेंट एज अ फैंसी कस्टम टैग। कौन मुझे बताएगा कि कस्टम टैग क्या चीज़ होती है? नहीं, इसने HTML की बात की है। HTML में बताओ कस्टम टैग क्या चीज़ होते हैं, XML की बात नहीं हो रहा। अच्छा, HTML भी बाय द वे है XML, ठीक है। HTML भी क्या है, XML है, सही है। उसका जो देखो सिंटैक्स है ना उसका, तो सिंटैक्स उसका XML है। जो हमने जिक्र किया था ना, जब JSON पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने जिक्र किया था कि एक डेटा इंटरचेंज लैंग्वेज होती है, तो डेटा इंटरचेंज लैंग्वेज में XML भी शामिल है, ठीक है। तो जो हम HTML का पूरा कोड लिखते हैं ना, उसका जो सिंटैक्स है वो XML बेस्ड सिंटैक्स है। अच्छा, XML एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है। एंड्रॉयड की जो ऐप बनती है ना, उसका भी जो UI बनती है वो XML टाइप की एक चीज़, HTML तो नहीं ऑब्वियसली, उनके अपने टैग्स हैं, लेकिन ये कि वो XML टाइप की एक चीज़ है जिससे उसकी UI बन रही होती है, ठीक है। तो हाँ, कस्टम टैग भाई, HTML पर रेंडर ना हो, दोस्त ने कहा कि अगर मैं, जैसे एक H1 होता है वो तो HTML में मौजूद है, H1 का टैग अगर मैं लगाता हूँ, लेकिन ये दोस्त कह रहे हैं कि अगर फैज़ान के नाम से ये टैग बना दे तो वो HTML में पहले से मौजूद नहीं है, तो वो कस्टम टैग कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर वो कस्टम टैग को, अगर HTML को पता नहीं है फैज़ान के नाम का कोई टैग HTML में मौजूद नहीं है, तो HTML उसको रेंडर नहीं करेगा, ये भी साथ में इन्होंने बोला। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो कह रहे हैं ये, कितने लोग इनसे एग्री कर रहे हैं इनकी बात से?
अगर अपना ओपिनियन नहीं है तो किसी से एग्री तो डिसएग्री तो कर सकते हो ना। दो आपने कहा कि इम्पोर्ट करके करना पड़ेगा उसको, नहीं अभी तो मैं कस्टम टैग पूछ रहा हूँ कि क्या है HTML के अंदर। हाँ नहीं वो तो इंशाल्लाह अभी हम बनाएंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन कस्टम टैग क्या चीज़ होती है HTML में? अच्छा बिल्कुल सही दोस्त ने कहा है, लेकिन एक बात इन्होंने गलत भी कही है, मैं दोनों बता देता हूँ। HTML के अंदर अगर मैं किसी भी नाम से कोई टैग बनाऊँगा जो एग्जिस्टिंग HTML के टैग्स में नहीं है, जैसे कि फैज़ान के नाम से अगर मैं एक टैग लगाता हूँ तो वो कस्टम टैग तो कहलाएगा, ठीक है यहाँ तक बात सही है, लेकिन HTML उसको रेंडर करेगा स्टिल, और उसका जो बिहेवियर होगा वो डिव वाला होगा, जो जो डिव के ऊपर जो चीज़ होती है ना अप्लाई, उस तरह से उसको वो बिहेव करेगा उसको ना, ठीक है। अगर कोई भी टैग नहीं हुआ तो वो डिव है, और मैं किसी भी नाम से टैग बना सकता हूँ, ठीक है, अरसलान, इंजमाम, अली, मलिक, किसी भी नाम से मैं टैग लिखूँगा तो HTML उसको एक्सेप्ट करता है। ये HTML5 में ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है इन्होंने कि जी आप कस्टम टैग बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। अच्छा फिर जाहिर है जब मैं CSS लिखूँगा तो अगर मैंने अरसलान के नाम से टैग बनाया है तो मैं CSS में अगर नाम से टारगेट कर रहा हूँ तो मैं अरसलान लिख के ही टारगेट करूँगा उसको, ठीक है। वैसे तो नाम से टारगेट करने को डिस्करेज किया जाता है, या तो क्लास से आप करते हैं या तो सेलेक्टर्स के ज़रिए करते हैं, क्लास सेलेक्टर के ज़रिए करते हैं। तो लेकिन ये कि अगर मैंने नाम से टारगेट करना है, जैसे H1 पे कलर कर दो रेड, तो इस तरह मैं बोलूँगा अरसलान पे कलर कर दो रेड, तो उसको टारगेट भी उसी तरह करूँगा मैं उसी नाम से, तो दैट इज़ कॉल्ड कस्टम टैग। तो ये कह रहे हैं कि इफ़ यू आर फेमिलियर विद HTML यू कैन थिंक ऑफ कंपोनेंट एज अ फैंसी कस्टम टैग। वो कह रहा है कंपोनेंट जो होगा ना वो एक टैग होगा असल में। अब अरसलान के नाम से मैंने एक टैग बना दिया HTML में, उसका बिहेवियर क्या है? फिक्स है कि उसका बिहेवियर डिव का जो बिहेवियर होता है वही होगा, यानी डिव जिस तरह से रेंडर होता है स्क्रीन पे वो उसी तरह से होगा, ये फिक्स है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसी तरह का एक टैग हम लगा रहे होंगे लेकिन उसका बिहेवियर हम खुद डिसाइड करेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा होगा। दैट्स प्रीटी मच व्हाट दे आर, reusable bit of content and behavior that can be put on a web page। अब कह रहे हैं इस तरह के आप components बनाते जाएंगे, इस तरह के tags आप बनाते जाएंगे जिसका behavior आप खुद बता रहे होंगे, खुद define कर रहे होंगे, और उन tags को लगा के अब हम pages बनाएंगे। पहले हम pages किससे बनाते थे? H1, paragraph, इनसे बनाते थे। अब हम उन tags के ज़रिए पूरा का पूरा page बनाया करेंगे, सही है। तो ये एक सिंपल सी आपने बात समझ ली कि ये react है क्या चीज़। अब कंपोनेंट के बारे में मजीद ये बता रहे हैं कि जी अ कंपोनेंट इज़ रिटन एज अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन एंड दिस इज़ रियल जावास्क्रिप्ट हियर, नॉट अ टेम्पलेट लैंग्वेज। अच्छा अगर कोई बंदा टेम्पलेटिंग इंजन्स से यहाँ पे फेमिलियर है तो ज़रा मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ, अदरवाइज इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा है अभी जिसने टेम्पलेटिंग इंजन पर काम किया होगा अभी, EJS पे, JED पे, PHP पे, या इस तरह की किसी लैंग्वेज पे? अच्छा तो उसमें होता क्या है कि जब रिक्वेस्ट जाती है ना सर्वर पे PHP में, तो वहाँ पे हम HTML का पेज जनरेट करते हैं पूरा बैकएंड पे से और उसको भेजते हैं उठा के। तो वो जिस कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की है जे पेज जनरेट करने के लिए? प्लेन PHP का अपना जो जनरेटर होता है उसी से किया है, ठीक है। तो उसको हम कह रहे होते हैं कि जी ये टेम्पलेटिंग इंजन कहते हैं असल में उसको। तो ये कह रहे हैं कि जब हम कंपोनेंट बना रहे होते हैं ना तो वो रियल जावास्क्रिप्ट होती है, वो कोई टेम्पलेट नहीं होता कि जी अब टेम्पलेट बना रहे हैं और उसको भेजेंगे तो वो रेंडर होगा, वो एक्चुअल में वो जावास्क्रिप्ट होगा। क्यों? कि जैसे हम जब टेम्पलेटिंग इंजन पे जनरेट कर रहे होते हैं तो वो तो बैकएंड पे होता है, तो वहाँ पर वो एग्जीक्यूट नहीं होता, एग्जीक्यूट फ्रंट एंड पे आके होता है। अब ये सारा काम चली फ्रंट एंड पे रहा है, इसका बैकएंड पे कोई ताल्लुक है नहीं, तो ये सारा फ्रंट एंड के ऊपर चल रहा है। तो ये कह रहा है कि ये जो है ना रियल जावास्क्रिप्ट है, जो हम लिख रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट ही में लिख रहे हैं उसको, उसका जो बिहेवियर हम डिफाइन कर रहे हैं वो हम जावास्क्रिप्ट में ही डिफाइन कर रहे हैं। React support special syntax called JSX। अब कह रहा है कि ये इसको बनाने के लिए ना कंपोनेंट को इसके लिए एक लैंग्वेज डिवाइस कर दी इन्होंने, दैट इज कॉल्ड JSX विच लुक्स लाइक HTML। अब वो हम जो कंपोनेंट बना रहे हैं वो कह रहा है कि हम जावास्क्रिप्ट में बना रहे हैं, लेकिन जब हम उसको बना रहे होंगे ना जो हम लिखेंगे JSX, तो वो लिखने में HTML जैसी है लेकिन वो असल में क्या है? वो जावास्क्रिप्ट है ना, असल में वो क्या है? वो जावास्क्रिप्ट है। और जो टेम्पलेटिंग इंजन वाले बंदे उनको लगेगा शायद ये टेम्पलेट बन रहा है, टेम्पलेट से HTML जोड़ रहे हैं और जोड़ के भेज रहे हैं, लेकिन वो जोड़ के नहीं भेज रहे हैं, लिख रहे हैं हम JSX है जो कि दिखने में HTML जैसी है लेकिन असल में वो जावास्क्रिप्ट है। इट टर्न इनटू रियल जावास्क्रिप्ट बाय कंपाइलर। अच्छा तो जब ये सारा हम लिख लेते हैं ना
क्या कहते हैं JSX में लिख लेते हैं जब हम, तो ये चलने से पहले जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाती है समहाउ। अभी वो इंशाल्लाह जब बनाएंगे तो हम उसको ज़रा फेजेस उसके इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने मज़ीद जो है ना वो बात की है कि जी ट्री स्ट्रक्चर में होता है हमारे पास, हम ये बात जानते हैं कि HTML का जो पेज हम बनाते हैं वो ट्री स्ट्रक्चर में होता है, जिसका रूट एक होता है, फिर उसके दो चाइल्ड, फिर उसके मज़ीद चाइल्ड, फिर मज़ीद चाइल्ड, जैसे ट्री में से एक ब्रांच में से दो ब्रांच और फिर मज़ीद उसमें से ब्रांच निकल रही होती है, तो इस तरह का फ़्लो होता है उसके अंदर। ठीक है जी, तो ये कह रहा है कि जैसे आप HTML का पेज बनाते हो ना कि जी एक डिव है तो उसके अंदर भी कोई डिव आप लगा सकते हो, तो कह रहा है कंपोनेंट में भी ऐसा ही है, कंपोनेंट क्योंकि टैग है तो एक टैग के अंदर दूसरा टैग लग सकता है, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे बात मेंशन की है। फिर ये कह रहा है कि यार इसमें ना वन वे डेटा फ्लो जो है वो इसका डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, वन वे डेटा फ्लो। अच्छा, अब वन वे डेटा फ्लो भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पे ऐसा मौजूद है जिसका एंगुलर का बैकग्राउंड है, कोई है यहाँ पे ऐसा, तो फिर मैं वन वे डेटा फ्लो को ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये एंगुलर से डिफ्रेंशिएट करने वाला फीचर है इसका। ठीक है, अगर कोई एंगुलर वाला बंदा नहीं है तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक को। ठीक है, ये वन वे को पूरा इसने एक्सप्लेन किया हुआ। अच्छा, अगेन इसने ये बात की लास्ट में कि भाई ये ऐसा नहीं है कि कोई एक ही फ्रेमवर्क है दुनिया में, और भी फ्रेमवर्क है बहुत सारे। Vue.js करके एक फ्रेमवर्क है, एंगुलर अभी भी मौजूद है और अभी भी पॉपुलर है वो, क्योंकि अब उन्होंने क्या किया उसको फ्रॉम स्क्रैच जो लिखा था ओवर द एयर्स, यानी 2016 में, 2016 तक तो 3 साल हो गए थे इनको वेट कराते कराते, तो अभी अब 2016 से मज़ीद लगा लो 4 और 3 7 साल, तकरीबन पूरे 10 साल हो चुके हैं एंगुलर को डेवलप होते हुए, तो 10 साल में उन्होंने उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में ज़रा ऑर्गेनाइज़ कर लिया, और अब जो एंटरप्राइज है वो दोबारा उस पर अट्रैक्ट होना शुरू हो गई है, उस पर बड़ी एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनना शुरू हो गई है एंगुलर के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अगर अभी तक लेकिन एंगुलर ऊपर नहीं निकली है रिएक्ट से, ठीक है, और शायद कभी निकलेगी भी नहीं, वो इसलिए नहीं निकलेगी क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं, छोटे स्टार्टअप्स, वो उनका बड़ा नुकसान हुआ है उसके साथ, एंगुलर के साथ, तो उसका काइंड ऑफ एक नाम ख़राब हो गया, तो शायद एंगुलर अब कभी भी रिएक्ट से आगे नहीं जाएगी, मतलब जस्ट फॉर साइकोलॉजिकल रीजंस, प्रैक्टिकल रीज़न की बात नहीं हो रही यहाँ पर, प्रैक्टिकल रीज़न में तो अभी भी एंगुलर रिएक्ट से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, प्रैक्टिकल रीजंस के तहत आज से 5 साल पहले भी बेहतर थी, और जब एंगुलर 2 नई नई आई थी ना उस वक्त भी रिएक्ट से बेहतर थी, लेकिन कुछ ऐसे इशूज़ थे, इनकम्प्लीशन के सपोर्ट ब्रेक होती थी, वो अजीब से कुछ मसले थे उसके अंदर, वो ज़ाहिर है अब सॉल्व हो चुके हैं। तो आज से 2 3 साल पहले भी, 4 साल पहले भी एंगुलर जो थी ना वो रिएक्ट से बेहतर थी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करते हैं और एंटरप्राइज दे लव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, एंटरप्राइज को बड़ा पसंद है ये, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव से बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर 100 लोगों की टीम काम कर रही है ना एक ही ऐप के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसको हैंडल करना बड़ा आसान है, बावजूद इसके कि इतनी बड़ी एप्लीकेशन आमतौर पर बनती नहीं है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, इतनी बड़ी एप्लीकेशन बहुत रेयर होती है कि जी ऐसी कोई एप्लीकेशन जिसमें 100 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। जो ज़्यादातर स्टार्टअप्स हैं वो क्या होते हैं कि 2 3 लोगों की टीम होती है जो एक्चुअल में काम कर रही होती है। ठीक है, और फ्रंट एंड बैक एंड को अलग किया हुआ होता है, तो 3 लोग फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, 2 3 लोग बैक एंड पे काम कर रहे हैं, फिर जो दूसरी मोबाइल ऐप्स हैं उस पर 2 2 3 3 लोग अलग लगे हुए हैं, तो अल्टीमेटली होती है बस 25 30 लोगों की टीम, लेकिन असल में क्या होता है कि वो सबके काम अलग अलग होते हैं, तो एक्चुअल डेवलपमेंट जो है ना, जैसे फ्रंट एंड जो बना रहा है बंदा, वो 2 या 3 ही लोग होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते आमतौर पर, तो जो मैसिवली जो ऐप डेली बेसिस पे बन रही है ना उसकी बात हो रही है। लेकिन जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि जीमेल है, जीमेल इज़ अ ऐप इट्सेल्फ, एक कंप्लीट ऐप है वो। ठीक है, जैसे कि फ़ोटोशॉप एक ऐप है, अब जैसे कि आपका जो है ना MS ऑफिस एक कंप्लीट ऐप है, तो ये ऐप तो 20 20 साल से डेवलप हो रही है कंटिन्यूसली, तो ज़ाहिर है इसकी टीम भी बड़ी है ज़रा, और इसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं वो भी इस तरह से इन्होंने बनाए हुए हैं, तो इस तरह की जो बहुत बड़ी ऐप्स होती है ना उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को अच्छा कंसिडर किया जाता है मार्केट में। ठीक है, बावजूद इसके ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे भी वो काम हो सकता है उसी तरह, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ज़रा ये वाला ज़्यादा पसंद है, लेकिन फॉर साइकोलॉजिकल रीजंस एंगुलर कभी भी इससे ऊपर नहीं जाएगी, स्टार्टअप कभी भी इसको अडॉप्ट नहीं करेगा। ठीक है, मेरे ओपिनियन में स्टार्टअप हमेशा जो है Vue.js पे मूव कर रहा है, थोड़ा बहुत स्टार्टअप वाला जो कल्चर है। ठीक है, Vue.js के बाद भी और भी कुछ 1 2 फ्रेमवर्क्स आए हैं जो अभी इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन लोग यार उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वेल, तो बताने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि आप रिएक्ट सीख रहे हैं तो रिएक्ट पे ही हमेशा काम करेंगे आप,
रिएक्ट के बाद बहुत बहुत सारे फ्रेमवर्क और भी आएंगे होपफुली, और जो मार्केट में फ्रेमवर्क चल रहा होगा जिसकी डिमांड होगी ज़्यादा, आपने वो सीखना है, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। किसी भी टेक्नोलॉजी से आपने दिल नहीं लगाना है कि यार ये बड़ी अच्छी है या मेरे को बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है सी लैंग्वेज, लेकिन उस पर काम मैं नहीं कर सकता चाहने के बावजूद भी। अब तो खैर मैं भूल भूल भी गया हूँ, तो मैंने ज़िंदगी में जो पहली लैंग्वेज सीखी वो सी लैंग्वेज है और मुझे वो बड़ी पसंद है, लेकिन उस पर मैंने कभी भी प्रोफेशनल कोई काम नहीं किया, एक रुपया भी उससे मैंने अर्न नहीं किया। वो सीखने की हद तक अच्छी थी। रॉबर्ट लोफर की वो बुक है सी लैंग्वेज की, बड़ी अच्छी बुक है। अगर किसी को पढ़ने पढ़ाने का शौक है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि वो बुक ज़रूर पढ़ें आप, ठीक है। वो प्रोग्रामिंग की बुक है, लेकिन आई होप कि आपको जो है ना वो नेटफ्लिक्स के सीज़न से भी अच्छा मज़ा दे के जाएगी, अगर तो पढ़ने पढ़ाने का शौक है किसी को, ठीक है। तो वो बुक मैंने पूरी पढ़ी है, बड़ी अच्छी लगी मेरे को पढ़ने में भी, मैंने पढ़ाई भी है 2 दफ़ा वो बुक तो। लेकिन उससे कोडिंग करके मैंने ना कोई ऐप डिलीवर नहीं की, क्यों भाई, सी लैंग्वेज पर कोई काम नहीं होता, सही है। जावास्क्रिप्ट जो बनी हुई है वो ऑन द टॉप ऑफ सी लैंग्वेज बनी हुई है, लेकिन वो सी लैंग्वेज पे कोई काम नहीं होता, ठीक है। इवन ये कि जो लो लेवल की जो प्रोग्रामिंग थी वो भी आज से कुछ अर्से पहले, जैसे साउंड ड्राइवर, ग्राफिक्स के ड्राइवर, ये सी लैंग्वेज पे बना करते थे, लेकिन अब उसमें भी दूसरी चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि रस्ट आ गई है उसमें। एक लो लेवल के काम अब रस्ट में हो रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। जो नई डेवलपमेंट हो रही है वो रस्ट की तरफ अट्रैक्टेड है, तो सी लैंग्वेज का वहाँ से भी पत्ता कट चुका है। लेकिन ये है कि बड़े अच्छे 40 साल गुजारे उसने, 40 साल का पीरियड बड़ा अच्छा गुजारा है सी लैंग्वेज ने। अब उसके बाद जाके ना अब उसका डाउन टाइम शुरू हो गया। सी लैंग्वेज को बोलते हैं कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है, लेकिन वो इस सेंस में बोलते हैं कि सिंटैक्स उसका सब लोगों ने फॉलो किया है। जैसे फॉर लूप हमने जो जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था ना, सी लैंग्वेज में फॉर लूप बिल्कुल उसी तरह होता है। सी लैंग्वेज में ही वो सिंटैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इफ़ का जो सिंटैक्स है ना, जो हम अभी जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, वो सिंटैक्स सी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, सही है। इसी तरीके से आपका जो वाइल लूप और डू वाइल लूप है, ये सिंटैक्स भी सी लैंग्वेज में ही इंट्रोड्यूस हुआ था पहली दफ़ा। तो ये जितने सिंटैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे ना, वो आज तक फॉलो करते हैं लोग। वेरिएबल बनाने का जो तरीका है ना, कि भाई वार और वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू दैट, ये भी उसी में इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले ये वार नहीं होता था, उससे पहले डायरेक्ट नाम लिखते थे, पता नहीं डॉलर के साथ लिखते थे, ये वाली अप्रोच फॉलो करते थे वो। तो ये जितने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर जो सिंटैक्स हैं इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, वो सारे उसमें हैं। जो हम कॉन्सोल डॉट लॉग लिखते हैं, जो ये सिंटैक्स भी उसी में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसकी एक लाइब्रेरी थी STDIO करके थी, उसमें प्रिंट एफ करते थे हम, तो प्रिंट एफ करके हम इसी तरह उसको इनपुट देते थे। और तो प्रिंट एफ नहीं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीखने के लिए अच्छा है वो, फंडामेंटल अगर सिखाना है सिर्फ तो। लेकिन ये कि उसको पढ़ा के फिर कोई अर्निंग नहीं कर सकता बंदा, उसको पढ़ने के बाद अल्टीमेटली आपको कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो प्रैक्टिकल, जिसमें काम हो रहा है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट या पाइथन। सी शार्प में डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की ज़रा मार्केट कम है, वेब एप्लीकेशन के नस्बत मार्केट ज़रा उसकी कम है, ठीक है। ASP.NET जो है वो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क जो हमने पढ़ा है ना, एक्सप्रेस, ASP.NET एक्सप्रेस के इक्वल है, सही है। अब आप सर्वर बनाना है आपने, तो आप ASP पे बना लो या एक्सप्रेस पे बना लो, एक ही बात है। अब वो कंपैरिजन करोगे तो जाहिर है प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों के अपने अपने, लेकिन असल में जो ASP.NET है वो सर्वर एक्सप्रेस के इक्वल है वो, ठीक है। अच्छा, सर्वर इसी तरह PHP में भी बन जाता है। सर्वर जो है वो रूबी रेल्स में बड़ा अच्छा बनता है, पाइथन में बड़ा अच्छा बनता है सर्वर। ये सारे REST API को सपोर्ट भी करते हैं, ASP.NET के ऊपर REST API बना सकते हैं आप, सही है। तो आप किसी पे भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका यूज़ केस क्या है। तो आपको हो सकता है रिएक्ट ज़्यादा, आपको ASP.NET शायद ज़्यादा सूट करे, कुछ केसेस में एक्सप्रेस का सर्वर ज़्यादा सूट करे, कुछ केसेस में जो पाइथन ज़्यादा सूट करें, तो डिफरेंट यूज़ केसेस हो सकते हैं आपके। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई व्हाट शुड यू नो बिफोर रिएक्ट, रिएक्ट से पहले आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आनी चाहिए। तो भाई रिएक्ट से पहले जो है ना जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, दैट्स इट। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड हमने क्या करना है, इसको बनाना है। 5 स्टेप में इसने कहा कि यार ये हेलो वर्ल्ड बनेगा, लेट्स गेट टू द हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। कह रहा है कि यार स्क्रीन पे ज़रा हेलो वर्ल्ड अब प्रिंट करा के देखते हैं। इसने कहा भाई नंबर 1 गो हेयर, यहाँ पे आ जाओ भाई, सही है, ये आ गया मैं यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करना है, नंबर 2 प्रोजेक्ट विल हैव app.js ओपन। app.js की फाइल पहले से खुली हुई होगी, क्लोज दैट, वी डोंट नीड इट, यू कैन डिलीट दिस। अच्छा, तो app.js को जाके हम डिलीट कर देते हैं ऐप, ये आ गया, यही भेज देता हूँ। app.js को मैंने क्या कर दिया, ऐसे डिलीट कर दिया, सही है।
अच्छा नंबर थ्री, सेलेक्ट इंडेक्स डॉट जे एस, आ जाओ सेलेक्ट इंडेक्स डॉट जे एस ढूंढ लेते हैं। ये इंडेक्स डॉट जे एस पकड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल ओपन हो गई है हमारे पास। अच्छा नंबर फोर, होल्ड योर ब्रेथ, डिलीट एंटायर कॉन्टेंट ऑफ इंडेक्स डॉट जे एस। इंडेक्स डॉट जे एस का कह रहा है कि तमाम का तमाम कॉन्टेंट ऐसे उड़ा दो यहाँ से, सही है। अच्छा अब क्या करो, नंबर फाइव, टाइप दिस कोड। अच्छा इस कोड को अपने हाथ से टाइप करना है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट रह गया, 5-6 मिनट रह गए हमारे पास। अब इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया और सेव का बटन दबाया तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अच्छा तो ये आपने अपने हाथ से टाइप करना है। हाथ से क्यों टाइप करना है आपने, क्योंकि हाथ से टाइप करने में यहाँ पे उन्होंने ये बात भी मेंशन की है कि भाई आप जब हाथ से लिखते हो ना तो आपके ब्रेन में वो अच्छे से जाके सेव होता है कि जी आपको बाद में याद रहता है, फिर सही आप भूलते नहीं हो। अच्छा अब ज़रा सा यहाँ पे ना हमारे पास इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये हो क्या रहा है, ये जो कोड, इसको ज़रा मैं छोटा करूँ अगर स्क्रीन को, ये इंडेक्स डॉट जे एस में मैंने जो ये बात लिखी है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लाइन का जो कोड लिखा है, इससे ये हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट हुआ, इस 6 लाइन के कोड के लिखने से हुआ क्या ऐसा। तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है अब एक एक करके कि जी ये क्या चक्कर है। सबसे पहली लाइन में हमने क्या किया, इम्पोर्ट किया है रिएक्ट को, ठीक है। इम्पोर्ट हम सब लोग जानते हैं, हमने नॉट जे एस एक्सप्रेस पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम पहले रिएक्ट पढ़ते तो ये हमारे लिए फिर नई चीज़ होती, तो हम इम्पोर्ट करते हैं। अब जो नई वाली जावा स्क्रिप्ट है उसके अंदर हम इम्पोर्ट करते हैं, इवन सिर्फ सर्वर की बात नहीं हो रही, जैसे तो नॉट जे एस के सर्वर पर हम कर रहे थे ना इम्पोर्ट, इवन अब फ्रंट एंड के अंदर भी इसकी सपोर्ट आ गई है। फ्रंट एंड के अंदर हम पहले तो क्या करते थे ना, जावास्क्रिप्ट की अगर मैंने फाइल बनाई है और उसको मैंने एचटीएमएल के साथ अटैच करना है तो मैं क्या करता था, स्क्रिप्ट का टैग लगाता था, ठीक है। अब उसको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड की फाइल में भी मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। अच्छा इंपोर्ट करने का बेनिफिट क्या होता है कि, अच्छा इंपोर्ट से पहले जो होता था ना स्क्रिप्ट वाला, उसके अंदर मसला ये था कि जैसे मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की स्क्रिप्ट के टैग के ज़रिए, मेरा एक सिंपल HTML का पेज है और उसमें मैंने लाइब्रेरी स्क्रिप्ट लगा के अटैच की, एग्जॉस्ट की। अच्छा अब मेरे पास क्या होता है कि उस लाइन को लिखने के बाद, जो स्क्रिप्ट का जो टैग मैंने लगा दिया एग्जॉस्ट को अटैच करने के लिए, उस लाइन के बाद मैं अपना स्क्रिप्ट का जब टैग लगाता हूँ ना तो उसमें मुझे एक वेरिएबल मिल रहा होता है एग्जॉस्ट के नाम से, और वो वेरिएबल ग्लोबल होता है जब भी मुझे मिल रहा होता है वहाँ पे, सही है। अब इशू इसमें यह है कि चलो ये तो मुझे पता है ना, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक ही लाइब्रेरी है मैंने लगाई है, मुझे दिख भी रही है सामने वो और मुझे याद भी है कि यार एग्जॉस्ट के नाम से एक ही लाइब्रेरी है। अब इमेजिन करो कि अगर मेरे पास 200 लाइब्रेरी होती और एग्जॉस्ट उनमें से एक होता, सही है। तो अगर मैंने एग्जॉस्ट के नाम से कोई वेरिएबल बना दिया तो वो क्या होगा, अब एग्जॉस्ट की लाइब्रेरी वाला वेरिएबल रिप्लेस हो जाएगा, वो मेरा वेरिएबल बन जाएगा। मैंने अपने स्क्रिप्ट के टैग, अपने स्क्रिप्ट में आया मैंने कहा लेट एग्जॉस्ट इक्वल्स टू 5, तो अब मैं एग्जॉस्ट डॉट गेट करूँगा ना वो नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि एग्जॉस्ट को तो मैंने 5 कर दिया, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। या मिसाल के तौर पर मेरा पहले से लिखा हुआ कोड है, एग्जिस्टिंग कोड है, उसमें मैंने एक लाइब्रेरी इम्पोर्ट की math.js, ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है एग्जॉस्ट की तरह, तो math.js मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट की। अब उसमें क्या होता है, एक फंक्शन होता है स्क्वायर रूट का, SQRT। अब मैंने अगर पहले से ही उस नाम का कोई वेरिएबल बनाया हुआ है अपने कोड में तो उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, वो तमाम वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे, मुझे अपना कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था, ये बहुत बड़ा एक इशू था जिसको इन्होंने रिजॉल्व कर दिया। या इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है कि कोई लाइब्रेरी मैंने अटैच की तो किसी दूसरी लाइब्रेरी में ना उसी नाम का कोई फंक्शन है, जैसे एग्जॉस्ट इज़ अ ग्लोबल फंक्शन है ना, एग्जॉस्ट जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट कह लो या फंक्शन कह लो या वो जो भी कह लो, तो एग्जॉस्ट भी ग्लोबल है और SQRT जो है मैथ डॉट जे एस का वो भी ग्लोबल है। अब इमेजिन करो कोई एग्जॉस्ट की कोई चीज़ ना मैथ डॉट जे एस से कॉन्फ्लिक्ट कर दे, मिसाल के तौर पर ABC नाम का एक फंक्शन है, वो फला लाइब्रेरी में भी है और फला लाइब्रेरी में भी है, अब दोनों लाइब्रेरी मैंने अटैच की हुई, अब मुझे मिलेगा कौन सा, कोई एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, सही है। और इसका कोई हल नहीं है, अगर दो लाइब्रेरी के कोई एक फंक्शन आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर गया है तो इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। आप किसी भी हाल में उसको, या तो उसको फिर बिल्कुल ही जुगाड़ करनी पड़ेगी
कि पहले एक लाइब्रेरी लगाऊं, उसके बाद खुद की मैं छोटी सी स्क्रिप्ट लगाऊं, उस लाइब्रेरी के फंक्शन को मैं दूसरे वेरिएबल में स्टोर करूं, फिर दूसरी लाइब्रेरी को अटैच करूं, लेकिन ज़रा सा सीक्वेंस चेंज हुआ तो फिर दोबारा गड़बड़ हो सकती है, वो सीक्वेंस फिर उस तरह ही रखना पड़ेगा बिल्कुल। तो बहुत जुगाड़े वगैरह करनी पड़ सकती थी। तो इम्पोर्ट के आने से ना ये सारे मसले हल हो गए। अच्छा, इम्पोर्ट का सीन ये है कि हर फाइल के टॉप पे आपको इम्पोर्ट हर दफ़ा करना होता है, सही है। जैसे कि स्क्रिप्ट में तो ये होता है ना, एक दफ़ा स्क्रिप्ट लगा दी ग्लोबल हो जाता है, वो हर जगह मिलना शुरू हो जाता है। तो इम्पोर्ट में ये वाला सीन नहीं होगा, इम्पोर्ट आपको हर फाइल के टॉप पे करना ही पड़ेगा, सही है। और इम्पोर्ट करते हुए जैसे मैंने ये लिखा है ना रिएक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सीन है तो मैं इम्पोर्ट एज भी कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा इम्पोर्ट रिएक्ट एज आर, तो वो आर करके मुझे मिलेगा पूरी उसके अंदर, ठीक है। काम वही है कि दूसरे वेरिएबल में स्टोर, लेकिन ज़रा इसमें इन्होंने बिल्ट इन ये चीज़ को कंसिडर कर लिया है कि यार ऐसा हो सकता है। उसके बाद है मेरा भाई हाई का कंपोनेंट। हाई के कंपोनेंट का क्या सीन है, राइट अंडर द इम्पोर्ट फंक्शन देर इज अ फंक्शन कॉल्ड हाई, दिस इज रियली अ ट्रूली प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। कह रहा जी ये प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, इन फैक्ट एवरीथिंग इन दिस फाइल इंक्लूडिंग द वर्ड रिटर्न इज प्लेन जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स। कह रहा है कि ये रिटर्न के साथ जो लिखी हुई चीज़ ये भी जावास्क्रिप्ट है। अब कह रहे हैं कि ये जो प्लेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है इसको कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं, ये कंपोनेंट है, ठीक है, हाई इज अ कंपोनेंट। अब ये फंक्शन है तो व्हाट मेक्स अ फंक्शन कंपोनेंट, अगर कोई फंक्शन ही होता है कंपोनेंट तो किस किस्म का, कोई ख़ास किस्म का फंक्शन होगा जिसको हम बोलेंगे कंपोनेंट है, या हर फंक्शन ही कंपोनेंट है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इट रिटर्न समथिंग दैट रिएक्ट कैन रेंडर। कह रहा है कि इसको कंपोनेंट हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ रिटर्न करता है जो रिएक्ट उसको रेंडर कर सकता है, यानी कि स्क्रीन पे दिखा सकता है। तो इसकी वजह से उसको हम क्या कह रहे हैं, कंपोनेंट कह रहे हैं। अगर इसमें ये रिटर्न वैल्यू होती 5, यानी एक नंबर होता, तो इसको हम फिर कंपोनेंट नहीं कहते, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट में फिर एक चीज़ इन्होंने मैंडेटरी रखी है कि इसका जो नाम है ना कंपोनेंट का, उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना ज़रूरी है। जैसे कि हाई अगर मैंने स्मॉल एच से लिख दिया तो ये इसमें एरर देता है, ठीक है, इन्होंने ये रूल रखा हुआ है। अच्छा, वैसे ये रूल क्योंकि आज से कुछ अर्से पहले तक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हुआ करती थी ना, रिएक्ट जो है शुरू में जब आई थी, जब 2016 में, तो उस वक्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करती थी। फिर जो जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी है उसने इसको घसीट के वापस फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे लाके छोड़ दिया। तो ये असल में जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो क्लास का नाम होता है, ठीक है, क्लास का जो नाम होता है उसके लिए ये रूल होता है कि उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो ये वो हेरिटेज ये अपने साथ लेकर आ गया है इधर ना फंक्शनल के अंदर, वरना इसकी कोई ज़रूरत आमतौर पे होती नहीं है। मतलब कोई फंक्शन है तो उसमें पहला लेटर कैपिटल होना मतलब कोई सेंस नहीं है इसकी, कोई ऐसी मतलब ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन इन्होंने ये रूल वो उस वक्त से फॉलो किया हुआ है कि जी पहला लेटर जो है वो क्या होगा, इसका कैपिटल होगा, ठीक है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन। हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्टर फंक्शन इस क्लास में, ठीक है, वो यानी फंक्शनल जुगाड़ है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। अब तो वैसे जावास्क्रिप्ट में क्लास का कीवर्ड आ गया तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन अब यूज़ नहीं करते लोग, अब डायरेक्ट क्लास को यूज़ कर लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ गया तो, ठीक है। लेकिन ये है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का भी जो कैपिटल होना चाहिए पहला ही है, क्योंकि वो क्या है, वो जुगाड़ है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक जुगाड़ है जो फंक्शनल के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसीलिए इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी एक जुगाड़ है फंक्शन का, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हैं और आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, फिर स्ट्रक्ट। अभी रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो स्विफ्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी शुरू से, लेकिन अभी वो सारे के सारे उठा के उन्होंने स्ट्रक्ट पर कन्वर्ट मार दिया। ये जितनी भी उनकी अंदर क्लासेस थी ना वो सारी स्ट्रक्ट बना दी है उसको, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को काइंड ऑफ उन्होंने समझ लेंगे ना छोड़ दिया, सही है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका सारा उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला, लेकिन उसमें क्लासेस अब नहीं है, सही है। जो नई वाली डेवलपमेंट है सारे स्ट्रक्ट बेस है। वेल, तो दोनों के अंदर एक दूसरे का जुगाड़ मौजूद है, यानी फंक्शनल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जुगाड़ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फंक्शनल का जुगाड़, दोनों में एक दूसरे का जुगाड़ मौजूद है। अच्छा, अब ये बात कह रहा है कि यार नोटिस JSX इज नॉट अ स्ट्रिंग। कह रहे हैं कि आप नोट करें कि ये जो बात लिखी हुई है ना रिटर्न वैल्यू है, अब रिटर्न वैल्यू नंबर होती है या तो स्ट्रिंग होती है, या तो बूलियन होती है, या तो ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या है, इसमें डबल कोटेशन तो लगा हुआ नहीं है, तो ये स्ट्रिंग नहीं है, कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है,
नंबर तो ये ऑब्वियसली नहीं है, बूलियन भी नहीं है, ये है क्या? सही है, तो ये कह रहे हैं कि भाई इसको नोटिस करें आप, इट इज़ नॉट लाइक दिस, अगर डबल कोटेशन में होता तो ऐसा होता दिखने में, ठीक है। रिएक्ट इज़ नॉट टर्निंग दीज थिंग्स डायरेक्टली इन टू स्ट्रिंग ईदर, कह रहा है रिएक्ट इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है ना कि उसने यहाँ पे ऐसे खूबसूरती के लिए हटा दिया डबल कोटेशन और इंटरनली उसको एज अ स्ट्रिंग ही हैंडल कर रहा होगा, तो ऐसा भी नहीं है, इसको इंटरनली स्ट्रिंग हैंडल नहीं कर रहा होगा, ये इंटरनली इसको क्या करेगा, ये डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा। बिफोर रिएक्ट रन देयर इज एन एक्स्ट्रा स्टेप ऑफ कन्वर्जन, कह रहे रिएक्ट का जब कोड है ना चलता है ना जब वो, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है जो कि कन्वर्ट करता है इस जेएसएक्स को, किस में कन्वर्ट करता है, रियल जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, रियल जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, कह रहा है कि जी ये जो बात लिखी हुई है ना यहाँ पे ऐसे डिव और हेलो वर्ल्ड, इट विल बी कन्वर्टेड टू दिस अल्टीमेटली। अब ये लाइन देखी देखी लग रही है, क्रिएट एलिमेंट क्या चीज़ है, ये एलिमेंट क्रिएट करने का एक फंक्शन हमने पढ़ा था डॉम जब हम पढ़ रहे थे, तो उस वक्त हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पढ़ा था और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पढ़ा था, डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड एलिमेंट पढ़ा था, सही है। तो क्रिएट एलिमेंट क्या करता है कि जी एक, इसके पैरामीटर भी देखो उसी तरह, पहले नंबर पर हम डालते हैं एलिमेंट का नाम यानी कि डिव, दूसरे नंबर पर डालते हैं हम उसके एट्रीब्यूट्स गालबन डालते हैं, उसमें नल रखा है कोई एट्रीब्यूट नहीं है, और तीसरे नंबर पर उसके अंदर मौजूद वैल्यू डालते हैं कि उसके अंदर दिखेगा क्या। तो बिल्कुल उसी तरह इन्होंने यहाँ पे पैरामीटर्स भी लिए हुए हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट नहीं है, ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट है। अच्छा, ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट का क्या सीन है कि रिएक्ट का एक खुद का भी डॉम है, ठीक है। एक तो डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है HTML के अंदर कि जी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो डॉक्यूमेंट जो है इसका बिल्ट इन डॉम होता है जो HTML का वो होता है, तो इनका खुद का भी डॉम इन्होंने बनाया है। तो जो भी चीज़ यहाँ पे ये क्रिएट मार रहा है ना, ये किस पे बनती है जाके, ये रिएक्ट के डॉम के ऊपर बनती है, जिसको वो वर्चुअल डॉम कहते हैं, और वर्चुअल डॉम के बहुत सारे इन्होंने फजाइल भी बयान किए हैं, जो कि अभी आप अलग से गूगल कर सकते हैं कि वो क्या है इनके। तो वर्चुअल डॉम बकौल इनके की तरफ बड़ा फास्ट वास्ट है, पता नहीं क्या है, जल्दी से उसमें मैनिपुलेशन होती है। तो जो भी चीज़ हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना, एक्चुअली जो रेंडर जो भी चीज़ हो रही होती है वो असल में हो रही होती है रिएक्ट के डॉम के ऊपर, और हमारी स्क्रीन जो है उस पे उसकी रिफ्लेक्शन दिखा रहा होता है वो, यानी कि वो पूरा ऐसे यूँ स्नैपशॉट लेता है, यूँ हमारी स्क्रीन पे दिखाता है, और जो भी मैनिपुलेशन करते हैं वो असल में रिएक्ट के डॉम पे हो रहा है, वो एक्चुअल डॉम पे कभी भी नहीं करता वो, ठीक है। तो वेल, ये वाला जो कोड है ना हमारा, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर कन्वर्ट होने का क्या मतलब है कि ये जावास्क्रिप्ट है, ये JSX जावास्क्रिप्ट है असल में। जब प्रोसेसर के पास ये पहुंचेगा तो इस तरह करके जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में पहुंचेगा। और ये रिएक्ट क्या चीज़ है, ये ऑब्वियसली लाइब्रेरी है, क्रिएट एलिमेंट क्या है, इस लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है, और वो फंक्शन जब चलता है तो ऑब्वियसली वो किसी तरह समहाउ वो एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। चाहे वो वर्चुअल डॉम से करे, चाहे वो HTML के डॉम से करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये फ़र्क पड़ता है कि HTML पे वो क्रिएट हो जा रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल करता है रिएक्ट खुद, हम कभी भी कॉल नहीं करते, और वो क्रिएट हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। अब वो वर्चुअल पे करे, वो डायरेक्ट एक्चुअल डॉम पे करे, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, ना ये चीज़ हमारे हाथ में, ये खुद कंट्रोल करता है वो। कह रहा है दिस ऑल हैपेंस बिहाइंड द सीन, आपको ये ऐसा बनता हुआ कभी नहीं दिखेगा, ऐसा बनता हुआ ना आपको कभी नहीं दिखेगा, ये सब बिहाइंड द सीन होता है। और ये क्या करता है, बैबल करके इन्होंने टूल सेटअप किया हुआ है, और वेब पैक करके एक टूल सेटअप किया हुआ पहले से, जो हम ऐप बनाएंगे ना वो उसमें पहले से सेटअप हुआ हुआ होता है। अब वो ऐप बनती कैसे, वो अभी तो हमने फिलहाल हेलो वर्ल्ड बनाया है, किस पे, सैंड बॉक्स पे। सैंड बॉक्स क्या है, VS कोड की तरह का एक ऑनलाइन एडिटर है जिसमें कुछ चीज़ें पहले से हुई हुई होती है, जैसे इस ऐप के अंदर रिएक्ट पहले से इंस्टॉल थी, हमने इंस्टॉल नहीं किया, लाइब्रेरी भी हमने इंस्टॉल नहीं की, कुछ भी नहीं किया, खुद से बना हुआ आया था वो। अभी हम इसको PC में कैसे बनता है वो थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरी जो लाइन है लास्ट, वो है रेंडरिंग। रेंडरिंग में इन्होंने बोला रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, अगेन आप देखो रिएक्ट डॉम के ऊपर ये रेंडर कॉल किया इसने, और रेंडर कॉल करने के बाद क्या दिया है, हाई का कंपोनेंट जो ऊपर बनाया था हमने उसका नाम यहाँ पे पास किया है। अच्छा, अब नोट करो कि हाई जो है वो एक जस्ट लाइक अ फंक्शन था ना, हाई जो है वो दिखने में एक फंक्शन जैसा था, ऐसा था ये, लेकिन ये इस फंक्शन की डेफिनेशन है, बन रहा है ये, ठीक है। जब इसको हम कहीं पे लगाएंगे ना कि उसको डिस्प्ले करने के लिए, तो इस तरह लगाएंगे। ये क्या है, ये टैग है, HTML का टैग है। सेल्फ क्लोजिंग भी किया हुआ है इसने, लेकिन हम ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, फ़र्क नहीं है कोई दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ टैग इसको लिखा है इसने, और रिएक्ट इसको क्या समझ लेता है, ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि ये हाई का मतलब क्या है, क्योंकि हाई का जो बिहेवियर है, जो इसका डेफिनेशन है हाई की, वो मैंने लिखी हुई है अलग से,
कि जी हाय जब लिखा जाए तो वहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ जाना चाहिए। अच्छा, तो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर कंपोनेंट जिसको रेंडर करना है और साथ में कहाँ रेंडर करना है वो बात बता दी मैंने। अच्छा, ये शुरू में थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा लेकिन ये बड़ा आसान है, सही है, एक दफ़ा आप अपने हाथ से करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे हम नोट करने वाली बात ये है, जो शुरू में बात डिस्कस हुई थी कि रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट क्या है? एक लाइब्रेरी। हमने देख लिया कि बंच ऑफ फंक्शन है, वो जस्ट कॉल होते हैं, दिखने में JSX है, ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे फ्रेमवर्क का अपना सिंटैक्स होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे JSX जो है वो है तो सही सिंटैक्स, लेकिन वो भी एज अ फंक्शन ही चल रहा होता है अल्टीमेटली। यहाँ पे भी फिर आप देखें रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर करके ना, मैं इसको क्या बता रहा हूँ, रूट करके एक मेरे पास एलिमेंट पहले से बना हुआ है मेरे HTML के ऊपर, मैं कह रहा हूँ कि उसमें जाके रेंडर करो इसको। तो रिएक्ट असल में क्या करता है, रिएक्ट को मैं एक डिव बना के देता हूँ, उस पर ID लगा देता हूँ, जैसे इसमें रूट लगा है, मैं कोई भी ID लगा सकता हूँ, तो रूट के नाम से एक ID लगा देता हूँ मैं, और मैं रिएक्ट के हवाले कर देता हूँ वो डिव। मैं कहता हूँ रिएक्ट को जो भी काम करना है ना वो इस डिव के अंदर करेगी रिएक्ट। अच्छा, अगर मैं उस डिव के अलावा कोई मजीद HTML लिखता हूँ तो मेरे ऊपर है, वो मैं लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है। तो रिएक्ट कभी भी आपकी पूरी ऐप को टेक ओवर नहीं कर सकता, या नहीं करता है, उसको बनाया ही इस तरह है, कोई एक डिव मैं बताता हूँ उसी डिव के अंदर वो काम करता है, उस डिव से पहले या उस डिव के बाद मैं कोई भी दूसरी लाइब्रेरी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ रिएक्ट के साथ साथ, ठीक है। ऑन अदर एंड जैसे एंगुलर था, एंगुलर वाज अ फ्रेमवर्क, एंगुलर के साथ ये पॉसिबल नहीं था कि एंगुलर भी मैं लगा लूँ और साथ में मैं कोई दूसरा फ्रेमवर्क भी यूज़ कर लूँ, क्योंकि एंगुलर का पूरा कोड जाता था और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ वो बोलता था ये गलत है। इसमें हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें देखो ये कह रहे हैं हम कि ना रिएक्ट डॉम पे रेंडर करो, रिएक्ट का जो अपना डॉम है वहाँ रेंडर करो। अच्छा, रिएक्ट डॉम पे रेंडर होते ही वो मेरे स्क्रीन पे भी दिख जाता है अभी, वो तो अभी ये फिलहाल तो समझो ना, इसको नए वाले में भी बात यही है, लेकिन वो दो लाइन में करना पड़ता है अलग अलग। हाँ, रूट करके होता है वो, ठीक है, वो हम जब अभी अब करेंगे तो समझ लेंगे। असल में ये आर्टिकल भी 2-3 साल, 4 साल, 2020 का आर्टिकल है ना, 3 साल पुराना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस वाली लाइन में चेंज आया है अभी, वो क्या करते हैं इसको अब दो लाइन में करते हैं इसको, अभी वो बनाएंगे हम तो दिख जाएगा कैसे होता है वो। तो मैंने कहा यार ये कंपोनेंट का नाम है और इस रूट पे जाके उसको जो है ना आप रेंडर कर दो, दैट्स इट, और कोई काम नहीं करना आपने, तो वो रेंडर हो जाएगा। अच्छा, इस लाइन को ये कन्वर्ट क्या करेगा अल्टीमेटली, ये वाला जो है ना, देखो ये कैसे हो गया, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट हाई, ऊपर इसने जिक्र किया था ना कि क्रिएट एलिमेंट बन जाता है ये और हाई हो गया, तो ये ऐसे करके जाएगा उसके पास चलेगा जब, तो ठीक है, ये एक्चुअली JSX है ना ये तो, लेकिन ये JSX क्या हो जाएगा, ये JSX इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे इसने दो फैक्ट्स बताए, कह रहे हैं कि भाई दिस कोड इज़ प्योर जावास्क्रिप्ट, एट द एंड ऑफ द डे द फैंसी JSX सिंटैक्स टर्न्स इनटू रेगुलर जावास्क्रिप्ट। हाँ, अब फ़ायदा क्या है वो अभी पता लगेगा, अभी मैं उस पर आऊँगा कि फ़ायदा क्या है। अभी तो मैंने उसको क्या कहते हैं उसको, मैंने मतलब ब्रेक डाउन कर दिया ग्राउंड लेवल पे, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज से उसके उससे मैच कर दिया आपको मैंने, सही है ना। अभी मैंने ये किया है कि इसको ब्रेक डाउन करके आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज से उससे मैच कर दिया है। अभी जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ना क्लास, जिसमें हम अपना डायनेमिक कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, तो उसमें मैं फिर इस बात पे फोकस करूँगा कि इसका फ़ायदा असल में फिर है क्या, जब ये पूरा ग्राउंड लेवल पर ही लेकर आ गया हूँ मैं, तो ये कैसे डिफरेंट है एक सिंपल HTML से, ठीक है, रीयूजबिलिटी के परस्पेक्टिव से या किसी और परस्पेक्टिव से। अच्छा, नंबर दो, यू डोंट कॉल योर ओन कंपोनेंट रिएक्ट डज, आप कभी भी जो कंपोनेंट आपने बनाया है उसको आप खुद से कॉल नहीं करते हैं, आपका बनाया हुआ कंपोनेंट हमेशा रिएक्ट को आप देते हैं और वो कॉल करते हैं, ठीक है। आप नोट करेंगे यहाँ पे मैंने ये जो हायर के नाम से ऊपर बना हुआ है ना फंक्शन, कंपोनेंट फंक्शन, उसको मैंने यहाँ कॉल नहीं किया, मैंने उसका नाम दिया है रिएक्ट के रेंडर को, मैंने बोला ये लो मेरा भाई, अब जो करना है आप करो, ठीक है। तो रिएक्ट उसको कॉल करता है अपने हिसाब से। तो यहाँ तक हमारा जो है ना क्या हो गया, ये हेलो वर्ल्ड कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आप सब लोगों ने क्या करना है, ये जो 5 स्टेप का हेलो वर्ल्ड था ना, ये आप सब लोगों ने बनाना है अभी यहीं पे, ठीक है। और उसके बाद ये योर टर्न वाला जो काम है, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 जो इसने बताए हुए ना कि यार ये योर टर्न में 5 काम आपने करना है, ये अभी हर बंदा यहाँ से करके उठेगा, ये किए बगैर यहाँ से आप लोग घर नहीं जाएंगे, ठीक हो गया। चलो।